करम में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ करम में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। सांसों का भरोसा नहीं।
आसों का भरोसा नहीं। शांति, मैं शुभ चिंतक आत्मा शुभ कर्म करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजित चमचमाता टिमटिमाता श्वेत दिव्य सितारा हूं। समस्त विश्व की आत्माओं के लिए और प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए मेरे मन में बेहद में शुभ भावना और शुभकामना है। अपने सूक्ष्म फरिश्ते चोले के साथ हम लोग पर विराजित हो जाते हैं। और लोग को घूमता हुआ महसूस कर सभी पर शिव बाबा की पवित्र प्रेम की किरणों की वर्षा होते हुए अनुभव कर रहे हैं।
परमात्मा शुभा से निकलती, ये निश्चल निस्वार्थ स्नेह की किरणें अवरत कंटिन्यूअसली विश्व को और समस्त आत्माओं को पवित्रता का सहयोग दे रही है। मैं आत्मा इस अनकंडीशनल लव के किरणों में असीम प्यार का अनुभव कर रही हूं। मेरे मन में सभी के लिए केवल शुभ श्रेष्ठ भावना और कामना है। प्यारे मीठे बाबा, हम सभी आपसे कल्प के बाद 5000 वर्ष के बाद मिले हैं, वो भी ये पुरुषोत्तम संगम की छोटी सी कालावधि में। मुझे आपके प्यार में, आपकी मीठी मधुर शिक्षाओं ने बदल दिया है। अब मैं बिल्कुल शांत स्वरूप स्थिति का गहराई से अनुभव कर रही हूं। मेरी आंतरिक शांति अंतर मन के सभी प्रश्नों को समाप्त कर देती है। उलझन को सुलझन में परिवर्तित कर देती है।
सभी के लिए बेहद में शुभ भावना और शुभ कामना का अभ्यास। कुछ हल्का और शक्तिशाली बना देता है। मन हल्का होने के कारण ये शरीर भी मुझे बिल्कुल लाइट, हल्का और चमकीले श्वेत की परत वाला व्हाइट शाइनिंग ऑरा वाला महसूस हो रहा है। हमारी मनसा सेवा शिवा की शक्तिशाली शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को तृप्त कर रही है। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे प्रश्न समाप्त कर चुकी है। और यही निश्चय करा चुकी है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो भी होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। परमात्मा शिव बाबा मेरे लिए सदैव कल्याणकारी है। प्यार का सागर है, सुखों का भंडार है, केवल सुख शांति और निस्वार्थ प्यार ही देता है, लुटाता है। वही हम आत्माओं का पिता, पारलौकिक पिता है। जो कार्यों पर भी
उपकार करता है। हमारे दिल की आवाज सुनता है। और वही हमें हर घड़ी हर पल मदद की अनुभूति कराता है। उसकी याद और प्यार से मैं दिव्य आत्मा स्वयं को पूर्णतः संपूर्ण अनुभव कर रही हूं। शक्तिशाली दृष्टि मेरे जीवन में उजाला ही उजाला कर देती है। मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। मैं आत्मा स्वयं को परिपूर्ण अनुभव करते परमात्म शक्तियों की किरणों से इस शरीर की हर एक कोशिका सेल और टिश्यू पर श्रेष्ठ सकारात्मक संचार का अनुभव कर रही हूं। ये सभी सेल्स और टिश्यूज शक्तिशाली पॉजिटिव किरणों से शरीर को पेनलेस स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। अंश मात्र भी दर्द की अनुभूति नहीं, बिल्कुल हल्का चमकीला और अतीन्द्रिय सुख का संचार मुझे अनुभव हो रहा है।
सारे ब्लॉकेजेस खुल चुके हैं। मेरा अंतर मन परमात्मा प्यार की निस्वार्थ धारा से भरपूर हो चुका है। हर एक सेल और टिश्यू को परमात्मा निस्वार्थ प्यार की किरणें टच कर रही है। और एक नई ऊर्जा की अनुभूति दे रही है। असीम सुख और प्यार की गहराई से महसूसता करा रही है। उनकी शक्तिशाली दृष्टि पूर्ण शरीर को कंचन बना चुकी है। एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी, बीमारी और दर्द को खींच लेती है। मैं शक्तिशाली आत्मा अपने भीतर एक श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा का गहराई से अनुभव कर रहा हूं।
बाप दादा की ये अव्यक्त पालना मुरली में आने वाले दिव्य शिक्षाएं मेरे जीवन से खालीपन को समाप्त कर परमात्मा प्यार के रसों से भरपूर कर रही है अब मुझे सूक्ष्म में भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन अर्थात उम्मीद नहीं है। यह संपूर्ण निश्चय है कि जब बाबा से मेरा कनेक्शन गहरा है तो वो सब कुछ अच्छे से अच्छा ही कर रहा है। मेरा जीवन परमात्मा प्यार का दर्पण बन चुका है। जीवन को मीठे सुकून की अनुभूति करा रहा है। बाबा ही मेरा संसार है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में मैं हर संबंध का अनुभव उनके साथ ही कर रही हूं। श्रीमद की उंगली देखकर मीठी मधुर मां के रूप में वो हर घड़ी हर पल मेरे साथ होते हैं। निस्वार्थ स्नेह की पुचकार देते हैं। कुछ लेते नहीं परंतु सदैव देते देते और देते ही रहते हैं। पिता के रूप में मेरे बैकबोन है। अनकंडीशनल एवर रेडी सपोर्ट सिस्टम है।
मेरी मदद के लिए सदैव तैयार है। क्या कहना मेरे भाग्य का, स्वयं सर्वशक्तिमान विश्व रचयिता विश्व निहंता मेरे पिता है। ये रूहानी नशा मुझ आत्मा को सदैव निश्चिंत रखता है। अव्यक्त रूप में होते हुए भी वे टीचर के समान मुझे मीठी मधुर मिली की शिक्षा देते रहते। परमधाम में बैठे बैठे मेरी एक पुकार को सुन, एक एक प्रश्न का निवारण करते रहते हैं। सदगुरु के रूप में मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा मेरे साथ मेरे आस पास मेरे रक्षक बनकर मुझे महफूज रखते हैं। जीवन साथी की तरह मेरे कंपेनियन बनकर मेरे साथ हर कदम चलते हैं। मैं कितनी न पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं कि परमात्मा प्यार की पात्र हूं। मेरे मन की और तन की एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारी और दर्द को भी वो रूहानी सर्जन ठीक कर देते हैं। मेरे जीवन को खुशियों से भरपूर कर रहे हैं।
छोटे से संगम युग में मैं शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर उनके साथ बच्चे का संबंध अनुभव करती हूं। शिव बालक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। किसी न किसी के द्वारा हल्के से मेरा हर कार्य करवा देता है। थोड़ा सा धैर्यता का गुण मुझे अपने जीवन में बनाए रखना है। वो कभी मुझे निराश व हताश नहीं करता। सदैव भरपूर ही रखता है। मेरा जीवन प्रभु प्यार से परिपूर्ण है। मुझे खुशियों की सौगात देकर इक्कीस जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बना देते हैं। कितना न अंतर्मन की गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। उनके प्यार ने मेरे जीवन को सवार दिया है। मन को भरपूर कर दिया है। असीम प्यार की धारा से परिपूर्ण कर दिया है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह।
मैं आत्मा अपने निज घर परम धाम में स्वीट साइलेंस की अनुभूति करती एक बाप को संसार अनुभव करती ज्वालामुखी योग अभ्यास द्वारा सूक्ष्म ते सूक्ष्म पापों को जलकर दग्ध होता हुआ महसूस कर रही हूं। इस ज्वालामुखी योग अग्नि में मैं आत्मा स्वयं को परिपूर्ण अनुभव करते
हॉल में पहुंच जाती हूँ अपने मधुबन मीठे घर में। अव्यक्त बाप दादा की मधुर मीठी दृष्टि से भरपूर होते जाती हूँ।
अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करे बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शन